पहले बैल को ऐसे भी धोने तो नहीं देता है बैल सब, तो पहले ये लोग उनको थकाएंगे चल चल के इधर घुरा फिरा के, पूरा पट्टी थट्टी बांध के पूरा खेल रहा। अरे किसान सरदार का गांव का स्टार भी है, किसान सरदार के बाद सेकंड नंबर पे आता है स्टार प्लेयर। हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार और जोहार, और साथ में एडवांस हैप्पी दिवाली। तो चलिए अभी हम लोगों बैल को लेके अभी हम लोग निकल चुके हैं घर से, और देख लीजिएगा अभी हम लोगों बैल धोने के लिए हम लोगों तालाब लेके आ रहा है बैल सबको। और क्यों क्यों ना, बैलों का ही मेला है जो बोलने से अच्छा होगा, जो कि क्या बोलते हैं गुहाल पूजा बोलने से अच्छा होगा, पूजा करते हैं तो बैल को भी हम लोग धोना पड़ेगा। और हम लोग हर एक साल इसी तरह ही मनाते हैं पर्व, और फर्स्ट ही मेरा ब्लॉग होगा दिवाली का इसी तरह का ब्लॉग। तो चलिए अभी हम लोगों लेके आए हैं, यानी कि यहाँ टोटल 6 बैल है और आदमी भी 4 है, और इसमें हम ही लोगों का 4 बैल है और दूसरा घर वालों का 2 बैल है, और 4 बैल में हम लोगों 3 आदमी आए हैं, हम भैया और बाबू। तो चलिए अभी पहुँचने ही वाला है तालाब, और हम ही लोगों का इधर सब देखिए धान सब कच्चा भी है और काटे भी हैं, और कुछ पका वाला धान भी सब भी है, नहीं काटे हैं, काटना पड़ेगा। तो चलिए हम लोगों तकरीबन घर से 1 किलोमीटर के बराबर होगा तालाब, जो कि बैल सबको धोते हैं जहाँ, वही जगह हम लोगों लेके आए हैं तालाब में। और आस पड़ोस के तालाब में तो नहाते हैं ना, तो तालाब में हम लोगों बैल को नहीं धोएंगे। तो चलिए इसी तरह बने रहिएगा और दिखाएंगे कैसा है हम ही लोगों का तालाब में कितना पानी है, और इसी तरह का रास्ता देखिए जंगल झाड़ी में तब के हम लोगों लेके आए हैं। ऐसे बोले तो घर से सामने में है ही है तालाब तो, लेकिन क्या बोलेंगे दोस्तों, ये जो दिखाई दे रहा ना खेत सब में धान सब नहीं कटा है अभी तक, इसीलिए घुमा फिरा के लेके आ। दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं तालाब, और बैल सबको भैया लगन अंदर घुसा दिया है तालाब के अंदर में ही। और इस सबको पहले बैल को ऐसे भी धोने तो नहीं देता है बैल सब, तो पहले ये लोग उनको थकाएंगे चल चल के इधर घुरा फिरा के, इसके बाद हम लोग धोएंगे तो आसान से धोएंगे, थक जाएगा तो बैल भी रुक जाएगा। तो चले दोस्तों अभी फुटबॉल खेलने सामने में ही, और ऐसे आप लोगों को बता दो तो सिद्धेश्वर स्टेशन तो आप लोगों सुने होंगे, और सिद्धेश्वर स्टेशन के सामने में ही गांव है, छोटा सा प्यारा सा भी पणिया सा बोल के नाम है गांव टू का। तो वही जगह आज खेलने जा रहे हैं, तो पूरी तरह रेडी हो चुके हैं, सब लड़का चले गए हमको छोड़ छाड़ के, बस हम ही पीछे हैं, तो हम भी जल्दी पहुंच लेते हैं। उसके बाद गेम तो स्टार्ट हो चुका है, हम लोगों का 6 नंबर मैच है, तब तक ये लोगों बने रहिएगा ब्लॉग में। A few moments later. हाय दोस्तों, फाइनली पहुंच चुके थे पणिया से, और देख सकते हैं ये दोस्त लोगों ने, और दोस्त लोगों का अड्डा में हम भी पहुंच चुके हैं, और हम ही लोगों का तो आयाराम गयाराम हो गया, यानी कि हम ही लोगों फर्स्ट राउंड में हम लोगों गोल खा गए। और क्या बोलते हैं हम इन लोगों का अगेंस्ट BR17 ना क्या लिखा हुआ था जर्सी में, जमशेदपुर तरफ का ही टीम था। तो चलिए आप लोगों को यही वाला टीम के साथ आप लोगों को दिखा देंगे, हम इन लोगों का गांव का तो प्लेयर लोगों को नहीं दिखा दिया, तो चलिए दिखा देते हैं थोड़ा प्लेयर साथ ही लोगों को। हाँ दोस्तों देख सकते हैं ये सब पार्टनर लोगों ने, और ये लोगों का टीम का नाम है ब्लैक कोबरा टीम से खेल रहा, और जसवान देखिए काफी स्टार प्लेयर भी है जो कि 1.5 महीने के बाद वापसी कर रहा है। और इधर रमेश सरदार है, उधर महेश सर क्या पता नहीं उधर क्या है, मजा के लिए भी तो बोल रहा है तुषार देशपांडे। और इधर पता नहीं नाम सब तो उतना नहीं का अच्छा खासा नहीं हमको पता है, तो आप लोगों ने से भी देख लीजिएगा केक को।
जसमान का देखिए पूरा पट्टी थट्टी बांध के पूरा खेल रहा। अरे किसान सरदार का गांव का स्टार भी है, किसान सरदार के बाद सेकंड नंबर पे आता है स्टार प्लेयर होने से। और ये रोहित जो कि छोटा मोटा बहुत ही प्यारा से गांव से बिलोंग करता है, कैनमुड़ी मेरुआ पहाड़ के क्षेत्र से। इधर है प्रदीप, प्यार से इसको काली के नाम से बुलाते हैं। अभी तो अकेले गोल करेगा शायद, पूरा चमका दे रहा खेल तो। गोल को कौन मारा था अभी? छोटू। दोनों स्टार देख सकते हैं, पुड़का क्षेत्र का है, पुड़का के सामने के सटा हुआ गांव से बिलोंग करती है। ये साल मिलकर आने वाला है, पहले किंगफिशर में खेल रहा था, अभी पता नहीं क्या हुआ। अरे भी किंगफिशर से पहले खेल रहा था, परवीन एफसी से भी खेल रहा था। अरे भी परवीन एफसी का स्टार था पहले, अभी क्या हुआ पता नहीं है उतना। अरे कीपर है, तो चले दोस्तों फाइनल घर पहुंच गए हैं। वैसे तो मैच का रिजल्ट आप लोगों को बता ही चुके हैं पहले भी, और देखिए घर पहुंच करके ये लोगों का, हम ही लोगों का सरजी लोगों है, ये लोग अभी पूरा पढ़ाई में पूरा व्यस्त है। पता नहीं क्या होगा, कल परसों जैसे दिवाली होने वाला है तो पटाखा भी फटाने वाला है ना, तो अभी में ही सर अभी में शायद पढ़ाई ख़त्म कर रहा होगा सर। अरे बाबू है और मेरा भैया उधर है, ये इधर एक भैया है और इधर चश्मा वाला एक भैया है मेरा। अरे पढ़ाई लिखाई करता भी नहीं तो खाली कॉपी सबको इधर उधर पढ़ते रहता है। और बेटी है इधर संजू, इसको पहले भी आप लोगों को दिखा चुके हैं। और सिस्टर है, यही गाइड करता है लोगों को और पढ़ाई लिखाई में पूरा व्यस्त है बच्चा लोगों को। और देख सकते हैं मुर्गा भी साथ में है, यही वाला मुर्गा को दीवाल में बोलते हैं ना ग्वाल पूजा करते हैं, तो हम लोगों ने इससे वाला मुर्गा को सब और भी है, इधर 5-6 मुर्गा बांधा हुआ है, इधर भी एक तो है और उधर तो 3, यानी कि टोटल यहाँ 6 मुर्गा है। आज 6 मुर्गा का हम लोगों पूजा करेंगे आप लोग तो आइएगा जरूर खाने के लिए। हम लोगों कौन सा दिन पूजा करेंगे वो तो हम नहीं बता पा रहे क्या नस कब पूजा पाठ है हम लोगों का थोड़ा बताओ और नहीं बता पा रहा। उधर है हम लोग उनका सरजी बताएगा, शनिवार कितना मुर्गा पूजा करेगा? छेटो। तो तेरा फ्रेंड्स लोगों को बुलाओ, बुलाएगा कि नहीं? बुलाएगा। हाँ इधर बोल, इधर देख के बोलेगा तब ना। बुलाएगा। आइए खाने के लिए। आइए खाने के लिए। मुर्गा मेट बोलो। मुर्गा मेट। जाने मन। तो चलिए आज का ब्लॉग कहीं समाप्त करते हैं। हाँ? हाँ। तब तक के लिए बाय बाय। टाटा। हाँ तो चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में भी नहीं है तो सब्सक्राइब करना भी भूलिएगा मत। तब तक के लिए बाय।